We are learning about national transformation. हम देशों को परिवर्तित करने के विषय में सीख रहे हैं. When people are thinking how to save my life. जब लोग सोच रहे हैं कि अपनी जान कैसे बचाई जाए. God is saying you transform your country. परमेश्वर कह रहा है तुम इस देश को परिवर्तित कर दो. I am really surprised with what God says during these times. और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जो परमेश्वर हमें कहता है ऐसे समय पे. People sensitive to the outside world will dwell on how to save ourselves and our family, and they will dwell on that. और जो बाहरी लोग हैं वो केवल कैसे अपने जान को अपने परिवार को बचाया जाए उसी पर वो चिंता करते रहते हैं. God is concerned. लेकिन परमेश्वर चिंता करता है. God is concerned. परमेश्वर सोचता है. It's not that God is not concerned. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सोच नहीं रहा. God is really concerned. परमेश्वर सचमुच चिंता कर रहा है. The people who know God and people who do not know God. उन लोगों के विषय जो परमेश्वर को जानते हैं और उन लोगों के विषय जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानते. God wants us to extend our hand to help everyone who is in need in this time of pandemic. और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हाथों को बढ़ाएं और मदद की ओर से जितने लोगों को जो ये महामारी में पीड़ा सह रहे हैं उनकी मदद करें. But what is the bottom line? Where is the actual earth? Moving towards where God wants to speak. लेकिन सचमुच ये पृथ्वी किस तरफ बढ़ती जा रही है वहीं पर परमेश्वर बात करना चाहता है. So let us talk about national transformation today. तो हम इस देश को परिवर्तित करने के विषय में बात करेंगे आज. This is the eighth Sunday we are talking on national transformation. ये आठवां ऐसा रविवार है जब पूरे देश को परिवर्तित करने के बारे में हम बात कर रहे हैं. Yes, if you have to change your nation, your country. It is one of the biggest, you know, work or the challenge you will face in your life. और अगर आपको अपने देश को परिवर्तित करना है तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चुनौती ये बनेगा. It is an exploit which you need to demonstrate. और ये ऐसी एक विजय होने का बात है जो आपको पर वो दर्शाना होगा. So what is why many people are not able to get into this mode? और क्यों बहुत से लोग इस स्थिति में नहीं आ पा रहे? Why sometimes even we are discouraged from getting into this lifestyle of exploit? और क्यों कई बार हम भी निराश हो जाते हैं ऐसी जीवन शैली बिताने जो विजय होकर आगे बढ़ती है? Why the results are not produced? क्यों हमें अंतिम ये जो उपहार है वो नहीं मिलता? Today I am going to teach about that. आज मैं वही विषय सिखा रहा हूँ. My friends, we have an enemy. और मेरे प्रिय मित्रों, हमारा एक दुश्मन है. So today we will see who is our enemy. और आज हम देखेंगे हमारा दुश्मन कौन है. और व्हाट इज आवर एनिमी. और हमारा दुश्मन क्या है. सो टुडे वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई आवर एनिमी नंबर वन. आज हम हमारा सबसे प्रमुख जो दुश्मन है उसके बारे में जानेंगे. देयर आर मेनी एनिमीज वी विल एनकाउंटर ऑन आवर वे. अपने रास्ते में हम कई सारे दुश्मनों का सामना करते हैं. बट हु इज द नंबर वन एनिमी. लेकिन सबसे पहला ये दुश्मन कौन है? बिगेस्ट एनिमी. सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हु इज द गोलियत. ये गोलियत कौन है? आई विल टेल यू. देयर वर थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स. दे आर नॉट अवर दे वर नॉट द प्रॉब्लम. ओनली गोलियत वाज द प्रॉब्लम. वहां हजारों सैनिक थे वो सारे उनके परेशानी में नहीं थे लेकिन सिर्फ गोलियत परेशान कर रहा था. The day you kill, you finish up with Goliath, you can finish up with everything. जिस दिन तुम गोलियत को हरा दोगे वो दिन तुम सारे दुश्मनों को हरा दोगे. So today you should understand who is that enemy whom I need to defeat. He is the one and only enemy in my life. आज आपको जानना है कि आपका सबसे प्रमुख दुश्मन कौन है. वो एक दुश्मन जिसे आपको हराना ही है. So how to find that out? ये कैसे हम ढूंढ निकाले? Okay. See, to do a great exploit, I need faith. और एक बड़ा विजय पाने के लिए मुझे विश्वास का होना जरूरी है. Faith is mine. With that, I can do exploits. I can produce result. I can change my country. I can become the father of nation. I can buy lands. I can inherit the whole country as my children. Faith is that one thing. और विश्वास वो एक चीज है जिससे मैं सारे पृथ्वी पर मैं अपना हासिल कर सकता हूँ, संतानों को पा सकता हूँ, इस पृथ्वी पर एक आत्मिक पिता के तौर पर आगे बढ़ सकता हूँ. So the enemy of my faith is my enemy. और जो मेरे विश्वास का दुश्मन है वही मेरा दुश्मन है. Please understand how we conclude. So the enemy of my faith is the enemy of myself.
और जो मेरे विश्वास का दुश्मन है वही मेरे दुश्मन बन जाता है. We all know fear is the enemy of faith. हम सब जानते हैं डर ये विश्वास का दुश्मन है. Jesus said, "Why are you afraid? Where is your faith? Why you do not have faith?" यीशु ने इस प्रकार कहा, तुम क्यों भयभीत होते हो? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम क्यों डरते हो? So today, my friends, your number one enemy is the fear which is inside of you. और आज आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो डर है जो आपके अंदर है. Goliath, what is the Goliath of your life? आपके जीवन का गोलियात कौन है? The Goliath of my life. अब मेरे जीवन का गोलियात कौन है? Who is the Goliath of your life? आपके जीवन का गोलियात कौन है? I tell you, it is fear. मैं आपसे कहता हूँ, वो डर है. The day you mark the Goliath, you mark your enemy. और जिस दिन आप अपने गोलियात को पहचान जाते हो, उस दिन आप अपने दुश्मन को पहचान जाते हो. The day you kill that Goliath, you finish up with that Goliath. I tell you, you finish up with your enemy. और जिस दिन आप अपने गोलियात को खत्म कर देते हो, आप अपने दुश्मन को खत्म कर देते हो. The day Goliath falls down, I tell you, every battalion of all the crooks and the enemies will vanish from your life. और जिस दिन आप गोलियात को हरा देते हो, वो हर एक दुश्मनी सैनिक जो आपके विरुद्ध खड़ा है, वो खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है. Fear is the number one enemy. डर सबसे बड़ा दुश्मन है. Today, if I can eradicate and overcome my fear, I can overcome everything in my life. अगर आज मैं अपने जीवन से इस डर को निकाल दूं, तो मेरे जीवन से हर एक वो दुश्मन को मैं निकाल सकता हूं. Friends, we are learning about national transformation. और हम पूरे देश के परिवर्तन के विषय सीख रहे हैं. We are learning about how I can become the Abraham of my generation. और हम सीख रहे हैं कि हमारी पीढ़ी के अब्राहम हम किस प्रकार बन सके. I am teaching you about how you can change the social fabric of your city. और हम मैं सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार आप सामूहिक जो बुरा गठबंधन है उसे कैसे आप बदल सकते हैं. I am talking to you about how can you change your country as from the third world country to the first world country. और मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे एक निच प्रकार के एक दुनिया से लेकर उसे हमारे देश को परिवर्तित करके सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचाया जाए. You need to identify your enemy. आपको अपने दुश्मन को पहचानना. Your enemy, if you conquer, you conquer the whole earth. अगर आप अपने दुश्मन को आप विजय प्राप्त करते हो, तो सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करोगे. Fear has many forms. डर के अलग-अलग प्रकार हैं. Fear is synonymous to doubt. और डर उसका समानार्थी शब्द शक है. Doubt is synonymous to unbelief. और शक का समानार्थी शब्द अविश्वास है. It has another synonymous word, timidity and cowardice. और उसके दूसरा समानार्थी शब्द है कि आप बहुत भयभीत होकर डर के साथ जीते हो. If you are a believer, a child of God, you should not fear. अगर आप परमेश्वर की संतान हो, विश्वासी हो, तो आपको डरना नहीं है. Unless you eliminate fear, you cannot do exploits. जब तक आप इस डर को खत्म नहीं करते हो, तब तक आप विजयी नहीं हो पाओगे. Unless you eradicate that fear, you cannot do exploits. You cannot do things in this world. और जब तक आप इस डर को निकाल नहीं देते हो, तब तक आप इस पृथ्वी पर कोई किसी भी वस्तु पर विजयी नहीं प्राप्त करोगे. You cannot produce results. You cannot show the substance. और आप कोई परिणाम नहीं दिखा पाओगे. Fear limits you and puts you in bondage. डर आपको सीमा लगा देता है और आपको एक बंधन में समा देता है. We are here to saturate the earth with the gospel of the kingdom. और हम इस सारी पृथ्वी को परमेश्वर के सुसमाचार से, उसके राज्य के सुसमाचार से भरना चाहते हैं. Jesus said, enter the village. और यीशु ने कहा उस पृथ्वी पर प्रवेश किया. When you enter the town, और जब आप उस शहर में प्रवेश करते हो. Today I tell you, you cannot enter even your neighborhood. और आज आप अपने आस पड़ोस में भी प्रवेश नहीं कर पा रहे. You cannot enter a brothel. और आप एक वैश्याले में आप you प्रवेश नहीं कर सकते. You cannot enter a casino, a club, or any of those places. और या एक कैसीनो या क्लब में आप प्रवेश नहीं कर पाते. Because the major problem for children of God is fear. क्योंकि सबसे बड़ा परेशानी परमेश्वर के संतानों के बीच ये है, वो है डर. I tell you, fear is not something which will keep quiet in you. और डर जो है वो आपके अंदर चुप नहीं बैठने वाला. Fear produces lethargy and laziness. और डर आपके जीवन में आलसीपन उत्पन्न करता है. So laziness produces inactivity.
और जब आलसी हो जाते हो तब आपके जीवन में कोई क्रिया नहीं होता। Because you are afraid of everything, you become lazy in your life. क्योंकि आप हर एक वस्तु से डरते हो, इसके लिए आप अपने जीवन में बहुत आलसी बन जाते हो। Then you become inactive, then you become full of self-pity. जब आप कोई क्रिया नहीं करते तब आप केवल अपने विषय में सोच के दुख मनाते हो। It is the end product is defeat. You will be defeated in your life. और इसका अंतिम परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन में हारे हुए व्यक्ति बन जाओगे। Fear enslaves you. और डर आपको दास बना देता है। Make you a slave. आपको एक दास नौकर बना देता है। You may be a believer, but your faith is ineffective. आप शायद से एक विश्वासी हो लेकिन आपका विश्वास जो है उसका कोई परिणाम नहीं मिलता। Have you ever thought why believers are not in politics? क्या आपने कभी सोचा है कि विश्वासी जन ये पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है? In certain churches, believers make so much of politics, but they cannot enter the politics of our country. और कुछ कलीसिया ऐसे हैं जिनमें जो विश्वासी जन है वही वहां पे बड़ी राजनीति चलाते हैं लेकिन इस देश को चलाने के लिए कोई राजनीति में प्रवेश नहीं कर रहा। Many many leaders are doing good business, but why they cannot enter the business world? और जब बहुत से लोग ऐसे छोटे मोटे व्यापार कर रहे हैं लेकिन व्यापार की दुनिया में वो प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहे? I'll tell you, it is the church or the believers who gave music to the Bollywood. Why is that? None of the believers are in the Bollywood or in the Hollywood. और Bollywood और Hollywood में विश्वासी जनों ने ही वो music उन्हें दिया है, लेकिन क्यों ऐसा है कि बहुत कम लोग विश्वासी जन वहाँ Bollywood? Why believers are not in the media, arts and sports? और मीडिया, आर्ट्स और खेल के दुनिया में क्यों बहुत कम लोग हैं? Because all of us are hiding inside the four walls of our churches. क्योंकि हम सब अपने कलीसिया के चार दीवारों में छुपे हुए बैठे हैं। We are very afraid. हम बहुत डरे हुए हैं। We are afraid of everything. हम हर चीज से डरते हैं। Pastors teach, if you go out in the world, you will be contaminated. और पासबान ऐसे सिखाते हैं कि अगर आप बाहर दुनिया में जाओगे तो तुम दूषित हो जाओगे। We are hiding inside the churches. हम अपने कलीसिया में छुपे रहते हैं। I want to command you and release you to get out of your church, your four walls, go into the world and bring the light of God and Jesus inside the world. मैं आपको आदेश देता हूं और आपको छुड़ाता हूं कि आप अपने कलीसिया की चारों दीवारों से निकलकर दुनिया में प्रवेश करकर यीशु मसीह का ज्योति वहां लेकर आए। Get out of your churches. अपने कलीसियाओं से बाहर निकले। You get out of your comfort zones. और अपने आरामदायक स्थलों से बाहर निकले। Go into those places of darkness. और उस अंधकार के स्थानों पर जाएं। Every one of you. आप में से हर एक। Never be isolated from the world. इस दुनिया से आप अलग ना हो जाएं। Every one of you should meet unbelievers who have nothing to do with God. और हर एक व्यक्ति को उन अविश्वासी लोगों से मिलना है जिन्हें परमेश्वर के साथ कोई लेन देन नहीं। You need to meet people who are anti-God. और आपको उन लोगों से मिलना है जो परमेश्वर के विरुद्ध है। Who are anti-Jesus Christ. वो यीशु मसीह के विरुद्ध है। Anti-light. और ज्योति के विरुद्ध है। Anti-knowledge. और बुद्धि और ज्ञान के विरुद्ध है। You need to talk to them. आपको उनसे बात Engage with them in a conversation. और एक बातचीत में शुरुआत करनी है। I'll tell you, today many of us we shun ourselves inside the community of believers where we find our comfort zone. और हम विश्वासियों के ऐसे एक झुंड में हम अपने आप को सीमित कर देते हैं जहां पर हम अपना आरामदायक स्थल प्राप्त करते हैं। If you are inside the church, how the light will reach the world? अगर आप कलीसिया के अंदर बैठे हो तो दुनिया में ज्योति किस प्रकार फैलेगी? When you keep your mouth shut because of fear, how can somebody will know Jesus? और जब आप डर से बैठकर आप चुप बैठ जाते हो तो कोई यीशु के बारे में कैसे जानेगा? When you do not know, open your mouth about Jesus. If you are not going to introduce Jesus. और जब अगर आप यीशु के पहचान कर नहीं दिलाओगे तब तक कैसे कोई जानेगा? Today in our country, people are fooling themselves by religion. आज हमारे देश में लोग अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं धर्म को पकड़कर। And leaders are using this religion to divide the people. और जो अगुवे हैं, जो नेताएं हैं, वो इसी धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। And we put our votes based on religion. क्या हम अपना मतदान केवल धर्म के नाते डाल दें? We have to vote for the real administrators. हमें ऐसे लोगों को चुनाव में मतदान देना है जो सचमुच वहां पर काम चला सके। The real righteous leaders. और धर्मी ऐसे अगुवे हमें चाहिए। Let us not isolate ourselves. हम अपने आप को अकेला ना कर दें। Every father who pioneered a revival in the past. और जितने भी पिताओं ने पूर्व में ऐसे बड़े से एक एक बेदारी लाई है। They were very bold and they were daring.
और वो बहुत ही धैर्यशील थे. Unless you eliminate fear, you cannot do exploit. जब तक आप डर को नहीं निकाल देते हो, तब तक आप बड़े विजयी नहीं हो पाओगे. It makes you ineffective. वो आपको प्रभावशाली नहीं होने देता. Let us read some things from the life of Jesus and Peter. यीशु मसीह और पत्रस के जीवन में हम कुछ बातें जान ले. Jesus loves the Hindus. और यीशु हिंदू धर्म के लोगों से प्रेम करता Jesus है. loves the Muslims. मुसलमान लोगों से प्रेम करता Jesus है. even loves the atheists. और जो नास्तिक लोग हैं उनसे भी प्रेम करता है. Buddhists, Jains. लोग जैन लोग से प्रेम करता okay, है. Parsis, पारसी Iranis, ईरानी लोगों से प्रेम करता so many है. religions. कितने सारे धर्म हैं. But one Jesus loves all. लेकिन एक यीशु सारे लोगों से प्रेम करता है. He is a demonstrating example. और वो एक ऐसे मार्गदर्शन दिखाने वाला उदाहरण है. He was a man of faith. वो विश्वास का पुरुष था. He teaches us about faith. हमें विश्वास के विषय सिखाता है. He demonstrates faith. और विश्वास को दर्शाता है. And he is an exemplary example of faith. और बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है विश्वास के विषय. There was a time all the disciples were going in a ship. और एक समय था जब सारे चेले एक नाव में जा रहे थे. It was not a ship means it's not that huge ship. It is a very big boat. और जब वो उस नाव में जा रहे थे, यीशु उस पानी पर चलते हुए उनकी तरफ आ रहा था. Jesus was a mystic. और यीशु ऐसे एकदम मिस्टिक के समान में बर्ताव कर रहे थे. So he was walking on the water. और वो पानी पर चल रहे थे. And today we have healing courses, deliverance courses. People teach about deliverance, worship, healing, anointing, and so on. और लोग चंगाई के विषय सिखाते हैं, अभिषेक के विषय सिखाते हैं और ऐसे कई सारे विषय सिखाते हैं. But I think one of you should get up and teach how to walk on the water. और मुझे लगता है कि किसी को उठकर ऐसे विषय पे सिखाने के पानी पर किस प्रकार चल सके. Jesus with his faith he was walking on the water. क्योंकि यीशु अपने विश्वास को लेकर पानी पर चल रहा था. For him it was just like a dry land. और उसके लिए वो एक सूखी जमीन के समान था. I will read the incident which is written in the Bible, okay, in the book of Matthew, verse 14. This is the first book in the. You can type Matthew in your Google, and you can come to this place. और मत्ती का सुसमाचार 14वें अध्याय में आप ये पढ़ सकते हैं. 26वां वचन. When the disciples saw Jesus walking on the sea, they were troubled, saying, "It's a ghost." And they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer, it's I. Do not be afraid." Peter answered him and said, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." और 26वें वचन से मैं पढ़ूंगा. चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है. और डर के मारे चिल्लाने लगे. तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धाड़स बांधो, मैं हूं, डरो मत. पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे. See, I tell you, Jesus was demonstrating his faith. यीशु यहाँ पर अपने विश्वास को दर्शा रहा था. He was producing results. और वो वहाँ पे परिणाम दिखा रहा था. In front of all the disciples, he was walking on the water. और सारे चेलों के सामने वो पानी पर चल रहा था. For him, the water was like a dry ground. और यीशु के लिए वो पानी मानो सूखी जमीन है. Now everybody saw that. और सारे लोग उसे देखने लगे. But Peter downloaded it. He clicked on that. लेकिन पत्रस उनके बीच ऐसा था जिसने इस बात को अब सही समझ लिया था. Immediately he said, "Hey Lord, you command me to come. I will come." और उसने तुरंत ही कहा कि प्रभु तू मुझे आज्ञा दे वहाँ पानी पर चलकर आने की और मैं आऊँगा. Somewhere he picked up that faith from Jesus. और वहाँ उसने यीशु के पास से इस विश्वास को ले लिया. Now Jesus said, "Come." Verse 29. Jesus said, "Come." Peter came down the boat and he walked on the water, and he was going towards Jesus. और यीशु ने 29वें वचन से लिखा है, उसने कहा, "आ." तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा. So suddenly Peter had a surge of faith, and he also started to walk on the water. For him, the water became a dry ground.
और अचानक से विश्वास पतरस में उतर आया और पतरस ने भी विश्वास के द्वारा पानी पर वो चलने लगा. So he was walking on the water. अब वो पानी पर चल रहा था. Today when I see certain YouTube videos, some guys are walking on the water. और कई मैंने YouTube वीडियो देखा है जो कुछ लोग पानी पर चल रहे हैं. It was just like you know they just it is another force. They were not walking. They are actually running on the water. और वो पानी पर चल तो नहीं रहे, दौड़ रहे थे उधर. They may be using certain special shoes and the special apparels that were so many set up in that place so that they can just run on the water for a short distance. और बहुत कम दूरी तक वो वहां दौड़ते हुए जा रहे थे. वो खास तैयारी कर आए थे और उसी के उसका परिणाम था कि वो उस पर तुरंत दौड़ कर जा रहे थे. But Jesus was walking on the water. लेकिन यीशु पानी में चल रहा था. He was not having special shoes. और कोई खास जूते पहनकर नहीं. Jesus was ordinary as you and me. यीशु हमारे समान साधारण था. साधारण साधारण जगह में साधारण तरक में he was वो पानी के ऊपर चल रहा था. Jesus Christ was demonstrating his faith. यीशु मसीह अपने विश्वास को दर्शा रहा था. Peter immediately picked up the same faith. He was also demonstrating the same faith. यीशु मसीह ने उस विश्वास को वहां से ले लिया और वो उसी विश्वास को उसने अपने हृदय में. Now as he was going, it was not only Jesus was there, even the waves were there. और वहां पर केवल यीशु ही नहीं थे, वहां पे सारे लहरें भी थी. Let me read verse 30. When he saw that the wind was boisterous, he was afraid and beginning to sink, he cried out saying, Lord, save me. Immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, Oh, you of little faith, why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased. और तीसवें वचन में इस प्रकार लिखा है, पर हवा को देखकर पतरस डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा. यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया. See, in the presence of Jesus, when he looked at the wind, doubt began in his heart. यीशु की उपस्थिति में जब उसने उस बड़े हवा के बहाव को देखा तो वो हृदय उसके शंका उसके हृदय में जगा. Fear has a synonymous word that is doubt. और डर का एक समानार्थी शब्द है और वो है शंका. Yes, doubt is another form of fear. और संदेह करना ये दूसरे प्रकार का भय है. He didn't deny Jesus. और उसने यीशु को छोड़ नहीं दिया. He didn't leave the presence of Jesus. He was in the presence of Jesus and he was a believer in Jesus, but he was overwhelmed by fear. और यीशु मसीह पर उसने विश्वास छोड़ नहीं दिया. यीशु मसीह की उपस्थिति उसने छोड़ी नहीं, लेकिन यीशु मसीह की उपस्थिति में जब वो विश्वासी था, संदेह प्रवेश किया और वो डर गया. I tell you something, many believers, they are believers but they are full or driven by fear. और कई सारे विश्वासी ऐसे हैं जो विश्वासी तो है लेकिन डर ही उनकी अगुवाई कर रहा है. Some people are very productive, they are multiplying fear and making everybody into sink in that pool of fear. और कुछ लोग तो बहुत ही प्रभावशाली है, वो खुद जो भय में है वो दूसरों को भी उस भय में डालकर उन्हें डुबा रहे हैं. They are believers. वो विश्वासी है. They are leaders. वो अगुवे हैं. But they are full or motivated by only fear. लेकिन उनकी अगुवाई केवल डर कर रहा है. I tell you, when you are motivated by fear, even you will sink and drown in that boisterous waters. मैं आपसे कहता हूं, अगर आपकी अगुवाई भी आपके व्यक्तिगत जीवन में डर कर रहा है तो उस बड़े बहाव में आप भी बहकर डूब जाओगे. I'll tell you, when you see the moon, what do you think? जब आप चांद को देखते हो तो आप क्या सोचते हो? We thank God. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. Praise God. हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं. Oh, it gives light. और हमें वो ज्योति देता है. It helps me to feed my small little daughter by showing the moon. You thank God in so many ways. और आप सोचते हो कि मेरे छोटे बच्चे को उस चांद को दिखाकर मैं भोजन खिलाता हूँ, तो मैं परमेश्वर को आपका विविध रूप में आप उसे धन्यवाद देते हो. Some people worship the moon. और कुछ लोग चांद की आराधना करते हैं. But only few had the faith and the boldness and the tenacity to go and walk on the moon.
लेकिन कुछ ही ऐसे लोग थे जिनमें यह धैर्य था, ऐसा विश्वास था, और वो गए और चांद पर वो चलकर आए. They had the faith to walk on the moon. उनमें ऐसा विश्वास था कि वो चांद पर चल पाएंगे. They were not just thanking God for the moon. वो केवल चांद के लिए धन्यवाद नहीं कर रहे थे. No, exactly, we believe God made this world. और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया. God established the world. परमेश्वर ने इस दुनिया को स्थापित किया. Psalm 93:1 says the world is established by God and it cannot be moved. और भय संहिता उसका 93 पहला वचन कहता है परमेश्वर राजा है और परमेश्वर ने इस दुनिया को स्थापित किया है. He just made it and established it. और परमेश्वर ने उसे बनाया और उसे स्थापित किया. So that it वो हिल नहीं सकता. अब वो कोई भी उसे हिला नहीं सकता. But how many of us we have exploited the world and explored the world and made the world in our capacity. लेकिन कितने लोगों ने इस दुनिया को पूरी तरीके से देखा है और इस दुनिया को अपने हिसाब से बनाया है. How many of you are ruling the world? कितने लोग इस दुनिया पर राज कर रहे हैं? How many have exploited patience inside the world? और कितने लोगों ने कई सारे जय प्राप्त किया है इस दुनिया में? You know, when I think of this, it looks like strangers coming into my father's house and telling us what is there inside my father's house. और अब इसको देखकर ऐसा लगता है कि बाहरी लोग मेरे पिता के घर में आकर मुझे बता रहा है कि इस घर में क्या है. What a tragedy of it. ये कितनी दुखद बात है. This world is made by my father. इस दुनिया को मेरे पिता ने बनाया. This earth is made by my father. इस पृथ्वी को मेरे पिता ने बनाया. Now, earth is the physical earth. और ये जो पृथ्वी जो प्राकृतिक पृथ्वी है. World is the human world upon that physical earth. और इस प्राकृतिक दुनिया में जो इंसानी दुनिया है वो उसके ऊपर लगा हुआ. Where are our exploits? और हमने किस पर जय प्राप्त किया? Where we have excelled? कहां हमने उत्तमता प्राप्त की है? Peter saw the water and he had faith that it is solid ground. और पत्रस ने उस पानी को देखा और उसमें विश्वास जगा कि ये भी सूखी जमीन के समान है. Yes, he had that faith. Suddenly that faith was replaced by fear. लेकिन अचानक से ये जो विश्वास था वो बदल कर वहां पर डर आ गया. I'll tell you, when you have fear and no faith, you actually communicate to the world something. और जब आप में डर है और विश्वास नहीं तो आप इस दुनिया से कुछ बातें कहते हो. You tell the world that I am not fit to rule this world. आप दुनिया से कहते हो कि मैं इस दुनिया पर राज करने के लिए ठीक तैयार नहीं हूं. Faith is supposed to empower you and make you a ruler and a king. विश्वास आपको सचमुच सशक्त करता है और आपको एक राज्य करने वाला बनाता है और इस पृथ्वी पर राजा बनाकर रखता है. It is a tragedy that we children or the princes hide because of fear, allowing the servants to rule. और ये बहुत दुखद बात है कि हम राजकुमार हैं, हम संतान हैं और हम अनुमति दे रहे हैं जो नौकर हैं उन्हें राज करने के लिए.